तो हेलो गाइस, की हाल चाल बड़े सब। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने आ रहे हैं भाई GTA 5। तो गाइस आज भाई हमने एक कार मंगाई है इंडिया से, जो कि है भाई स्कॉर्पियो। ठीक है, तो आज गाइस वो कार भी जस्ट हम इधर घूमने आए हुए थे, अपना ऐसा माइकल इधर घूमने आया हुआ था। तो भाई मेरे को कॉल आती है कि हमने जो कार ऑर्डर करी थी वो हमारे घर पर आ चुकी। तो अभी गाइस अभी चलते हैं भाई फटाफट से और देखते हैं भाई अपनी कार को, जो कि हमने इंडिया से मंगाई है। भाई अपने इंडियंस कार की बात ही कुछ अलग है। तो भाई मतलब वो कार मेरे को काफ़ी सही लगती है, इसलिए मैंने वो स्कॉर्पियो वहाँ पे मंगाई है। तो वो आ चुकी है अभी घर पे, और वो कार को लेने का मेन रीज़न ये है कि हम उससे भाई ऑफ रोडिंग वगैरह करने जाया करेंगे कभी कभी। वैसे भाई सिटी के लिए तो मतलब वो कार नहीं है, क्योंकि भाई वो दिखने में थोड़ी मतलब इधर बाहर की कंट्री में भाई ऐसा स्पोर्ट्स कार वगैरह महंगी महंगी कारें चलती है, और वो इंडिया की कार है। बट भाई उसका जो ऑफ रोडिंग करने का मज़ा है ना, वो अलग ही है, तो इसलिए मैंने वो ली है। तो अभी चलते हैं सीधा फटाफट से अपने घर पे और जाके देखते हैं वहाँ पे कि हमारी कार कैसी आई है और दिखने में मतलब कैसी है वो। मैं काफ़ी दिन से भाई उस कार का वेट कर रहा था, तो फाइनली आज वो आ चुकी है। बाकी सिटी के लिए तो मैं कुछ सोचा है कि भाई मैं लैम्बोर्गिनी वगैरह या बुगाटी वगैरह लूँगा। तो मैं गाइस कौन सी कार लूँ वो मेरे को नीचे आप कमेंट करके बता देना कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ। तो ओके गाइस, अभी भाई हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे, और भाई मैं इतना एक्साइटेड हूँ उस कार को देखने के लिए, क्या बताओ गाइस। अभी भाई फटाफट से चलते, और ये तो मैं कार पता नहीं किसकी उठा के ले आया हूँ वहाँ से। तो जिसकी भी है उसको यहीं पर छोड़ देते हैं, जिसकी भी होगी पुलिस ले जाएगी उठा के यहाँ से। तो अभी देखते हैं भाई अपनी कार किधर है। ओके गाइस, तो वो खड़ी है भाई हमारी कार बिल्कुल ठीक सामने, और घर का गेट भी खुला हुआ है, तो उसका मतलब अभी अभी आई है ये कार। ओ भाई ये है भाई अपनी स्कॉर्पियो। ओ क्या मस्त लग रही है ना, कलर भी सही है भाई, रेड एकदम डार्क रेड कलर शाइन मार रही है फुल। ओ भाई क्या सही लग रही है। तो उसको करते हैं फटाक से अनलॉक और बैठते हैं कार में। ओ भाई फुल लाइटिंग वाइटिंग है इसके अंदर, अंदर से इंटीरियर देखते हैं कैसा है इसका। काफ़ी सही लग रहा है ना, चमक रही है भाई पूरी कार अंदर से एकदम। तो गाइस अभी चलेगा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ एक टेस्ट ड्राइव इसकी लेके आते हैं कि भाई कैसी है ये। मस्त लग रही है यार मेरे को तो काफ़ी। आप लोग बाकी कमेंट करके मेरे को बताना आपको कैसी लगी ये कार। ओ लो बच गया भाई, कुछ भी नहीं हुआ, वरना अभी नई कार की वाट लग जाती। ओ भाई स्पीड भी सही है, बस इसका यही मतलब थोड़ा सा मेरे को लगता है ना कंट्रोलिंग इसकी बहुत ख़राब है, क्योंकि भाई ये कार ऐसा ऊंची है ना, इसका सस्पेंशन काफ़ी ऊंचा है, तो जिस वजह से कंट्रोल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बाकी भाई हमने ये सीधा मतलब ऑफ रोडिंग के लिए मंगाई है, तो भाई ऑफ रोडिंग करने जाया करेंगे हम इससे। जब भी भाई ट्रैवल की तरफ जाना होगा तो हम यही कार को लेके जाएंगे, बिकॉज उधर ऑफ रोडिंग मतलब उधर वो काफ़ी पहाड़ वहाड़ का एरिया पड़ता है, तो वहाँ के लिए कार बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। बाकी मस्त है यार। ओ भाई 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 फुल मॉडिफाई करके भेजी हुई है। फिलहाल तो अभी मैं आराम से चला रहा हूँ उसको, बिकॉज भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरी कार ठुक के टूट टूट जाए, क्योंकि अभी अभी मंगाई है जस्ट, और मैं नहीं चाहता उसका उद्घाटन हो, इसीलिए बहुत ही संभाल के चला रहा हूँ। बाकी मैं हम इसको कल भाई लेके जाने वाले हैं सीधा ऑफ रोडिंग पे, और मेरे को ट्रैवल से थोड़ा काम भी है, तो इस बहाने में उससे मिल भी आऊँगा और कार की ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ अभी चलते हैं भाई, अभी खाली तो गुजरे हैं, तो ऐसा एक ड्राइव लेके आते हैं ऑफ रोडिंग करके आते हैं, देखते हैं कैसी है ये कार चलने में ऑफ रोडिंग के मतलब की मतलब कैसी रहेगी, क्योंकि भाई
जिस चीज़ के लिए हमने कार बाय की है अगर वही ना हो पाए तो कार है मतलब पैसे बेकार हो जाएंगे। तो ये भाई हम अपने शिमला वाले रोडों से जाते हुए सीधा बाकी इसका साउंड काफ़ी सही है ना एकदम मतलब रियल वाली स्कॉर्पियो की तरह लग रहा है मेरे को तो। भाई पहाड़ों के लिए कार बहुत ज़्यादा ही सही है और वैसे भी हमें चलानी तो पहाड़ों पे ही है तो इसीलिए हमने ली है भाई। तो अभी इसको लेके चलते हैं सीधा माउंट चिलियार्ड पे और देखते हैं भाई कि इसका परफॉर्मेंस वहाँ पे कैसा रहता है, चढ़ पाती है नहीं। तो यहीं से इसकी भाई ऑफ रोडिंग स्टार्ट कर दी। ओ भाई क्या ही धूल उड़ाते हुए चल रही है भाई बिल्कुल भाई एकदम रियल में जैसा मतलब होता है ना। ओ नहीं अबे ये क्या हो गया, इसकी तो वाट लग गई भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। भाई शीशे वीछे टूट गए, कोई ना रिपेयर करा लेंगे। वो नहीं 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 भाई ये इसके पीछे भी पड़े हुए हैं। अबे मार दिया उन्होंने पुलिस वालों को। भाई आजकल लग रहा है सिटी में क्राइम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया इधर। ठीक भाई ऑफ रोडिंग के लिए मेरे को तो परफेक्ट लग रही है, बाकी देखते हैं भाई ये माउंट चिलियार्ड पे चढ़ पाएगी या नहीं। वैसे मुझे रास्ता नहीं पता है माउंट चिलियार्ड का किधर है, बट छोटे मोटे पहाड़ों पे चढ़ा के देखते हैं। इस वाले पहाड़ पे चढ़ाते हैं सीधा। भाई इन पहाड़ों पे तो इजीली चढ़ जाएगी मेरे को पक्का पता है, और चढ़ गई है भाई। अभी सामने वाले पहाड़ पे चलते हैं। गाइस बहुत ही इजीली तरीके से चढ़ चुकी है हमारी कार बिना किसी दिक्कत के। भाई इसका मतलब अपने पैसे बर्बाद नहीं हुए, बच गए। मेरे को तो लगे कि भाई हमने पैसे बर्बाद कर दिए, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी सही है मतलब। वो मस्त लग रही है भाई कार भी एकदम। वो हम पहुंच गए क्या, ये कौन सी जगह है मैप पे देख तो। वाइनवुड हिल्स, कोई नहीं भाई नेक्स्ट टाइम माउंट चिलियार्ड पे चलेंगे। बाकी भाई गाड़ी मेरे को काफ़ी सही लग रही है यार, आप लोग मेरे को कमेंट करके नीचे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। मेरे को वो तो बहुत सही लग रही है, बाकी थोड़ी बहुत इसकी कंडीशन ख़राब हो गई है, लाते टाइम पे रिपेयर करा लेंगे हम। तो बस गाइस आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं, और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।